उड़ीसा पोस्टल सर्कल का मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने विश्व में फैला हुआ ये जो कोरोना महामारी है, जिसने विश्व को अपनी लपेट में लिया है, अपने आगोश में लेने का प्रयास किया है, उस पर प्रहार करने के लिए, या ये कहें कि उसको उपहार देने के लिए ताकि वो शांत हो सके, उसमें अपरेंद्र जी स्वयं रघुराजपुर, ऐसे इन सभी महानुभावों ने जो एक प्रयास किया है कि हम सबको मास्क लगाना चाहिए। ये मास्क लगाने की बात नहीं है, इस वाणी को मधुर और परावाणी और दिव्य वाणी बनाने का एक प्रयास है ये मास्क। भारत के जो हर शिशु में, बाल में, पिल्ला में जो थुथलाने से लेकर, उसके मौन से लेकर, उसके शांत होने के लेकर, जिसको हमने साइलेंस कहा, स्टिलनेस कहा, उसको व्यक्त करने का एक तरीका जो उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसके लिए वो अभिनंदन के, आभार के, अभिवादन के पात्र हैं। इसके साथ साथ ही केवल भारत की स्वतंत्रता की देवी को ही इस वसुंधरा पर उतारने का विषय नहीं, पर उत्कल प्रदेश ने पंचसखा, उत्कल मणि, उत्कल गौरव, मधुसूदन दास, गोपबंधु दास, कृष्ण चंद्र जी, और यहाँ तक कि ऐसे दो विश्व के महान सेनानियों को जन्म दिया जिन्होंने ना केवल भारत पर के पूरे विश्व को चमत्कृत किया, जिनके अंतिम विदाई पर इंडोनेशिया, रशिया के और भारत के ध्वज लहराए गए, इसी बीजू पटनायक, भारत के नहीं पूरे विश्व के एकमात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जापान हो, जर्मनी हो, पूरे विश्व को जिन्होंने चमत्कृत किया, अफगानों को भी, और उनके साथ साथ वीर सुरेंद्र साय और देश के ऐसे महान क्रांतिकारी लक्ष्मण नायक, फकीर मोहन चंद सेनापति जी, डॉक्टर हरे कृष्ण महता जी, और भारत के माननीय राष्ट्रपति रहे महामहिम श्री वीवी गिरी जी, ऐसे सब लोगों को भी जो स्मरण कराने का एक अनुपम अद्भुत प्रयास किया है, उसके लिए मैं उड़ीसा पोस्टल सर्कल का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उनका ये सद प्रयास, उनका ये उपक्रम उड़ीसा के जन जन के लिए, भारत के जन जन के लिए और विश्व के जन जन के लिए जय जगत का आधार बने। इसी शुभकामना के साथ आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आप राजभवन में आए और इस प्रकार के प्रयास को, उसमें हमें शामिल होने का आपने अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी।